प्रणाम करता हूँ। धर्मन जी, क्या मामला हुआ, क्या हुआ था आज? आज दिन क्या है, मारपीट होती रहती थी और इनको कई बार अपने समझाया भी, अगर ये नहीं समझ में आई और कल थाने में इन्होंने शाम को मारपीट की, तो कल छोटा वाला भंजा आया था तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट करके इसको बंद भी करवा दिया। कौन, किसका, क्या नाम है इसका? इसको जिसको बंद कराया था उसका नाम राजेश राठौर है। कौन है ये? ये हमलता का पति था। अच्छा। उन्होंने मारपीट की, इनको बंद भी करा दिया कल अपन ने। अच्छा। बंद कराने के बाद पुलिस ने वहाँ से थाने से इसको छोड़ दिया। अच्छा। वहाँ से इसने रास्ते में ये भी कहा कि मैं घर जाकर इसको खत्म कर दूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं, और घर पर आकर उसने वही काम को किया, मार दिया। शाम जब हमें सुबह खबर मिली तो बच्चे हमारे खत्म हो चुके। तो मतलब क्या कब शादी हुई थी, कितने बच्चे हैं इसके? बच्चे इनके चार हैं जिसमें तीन बच्चियां हैं, बराबर की शादी लायक हो गई हमारी तीन बच्चियां, एक बच्चा है और शादी को करीबन 18-19 साल हो चुके हैं। तो कारण क्या था, क्यों मारा, क्या वजह थी? आजकल वही दहेज की प्रथा चल रही है, मतलब पैसे लाना, मारपीट करना, इधर घर से मतलब पैसे लेना। क्या करता था ये? ये नशा करता था और ऑटो का चालक था, ऑटो चलाता था।